हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हम लोग अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोगों ने रेशियो, एजेस और पार्टनरशिप और साथ ही साथ एवरेज, ये चार टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लगातार पंक्चुअलिटी के साथ, बिना किसी ब्रेकडाउन के। छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाएं, बीच में सेशन अटक जाए, उस चीज़ को अगर हटा दें तो रेगुलर बेसिस पे आप लगातार क्लास देख रहे हैं इस पर्टिकुलर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे मेरे दोस्तों। अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मिक्सर है। ओवरऑल मैंने मिक्सर के लिए तीन लेक्चर डिज़ाइन किए हुए हैं। इन तीन लेक्चर में हम लोग मिक्सर एंड डेलीगेशन की वो तमाम बारीकियाँ सीखेंगे। सबसे पहली क्लास है आज, इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि मिक्सर में क्या क्या बेसिक्स होते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो मिक्सर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हमारी विजुलाइजेशन काम करती है, जहाँ पर हम चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से अपने रिलेट कर पाते हैं। जो भी घटनाएं, अगर आपके क्वेश्चन में मिल्क एंड वाटर का कंटेंट ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया तो आप ये इमेजिन करें कि मिल्क और वाटर का कंटेनर आपके पास रखा हुआ है और प्रैक्टिकल उसमें जोड़ घटाना करें कि अगर भाई मिल्क और वाटर है, हम उसमें पानी मिलाएंगे तो हमारा मिल्क कॉन्स्टेंट रहेगा, पानी की ही मात्रा बढ़ेगी। इन्हीं सारी तमाम विषयों पर ही हम लोग चर्चा करते हैं, इन्हीं सारी तमाम चीजों पर ही हम लोग ध्यान देते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में। जितना बेहतर तरीके से आप चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे टॉपिक उतना आपका अच्छा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, आप कोशिश करें थोड़ा सा समझने की। चीजों को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अब फटाफट से शुरुआत करेंगे हम लोग। अच्छा, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें कि आज ट्रिक ऑफ द वीक की चर्चा होगी। ट्रिक ऑफ द वीक जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हाँ भाई हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन लेट हो गया, वक्त पूरा हो गया, इस वजह से नहीं हो पाया। ट्रिक ऑफ द वीक का चर्चा होगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो और यह भी नहीं कि बहुत लेट है, हम उसको पांचवें क्वेश्चन, चौथे पांचवें क्वेश्चन के आसपास ही वहीं पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई जैसे कल लेट हो गया था तो ऐसा ना हो। अब बस आप लोगों से इतना कहना है कि लिंक को शेयर किया जाए, आप बस कहानी को समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस अड्डा 24/7 पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके दोस्तों, बिल्कुल चंद्रशेखर चौधरी जी चरण स्पर्श, खुश रहो बाला, खुश रहो। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें 27 तारीख से दक्ष बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं कराया है तो उसको आप एनरोल जरूर करा लें। ठीक है, पहली बार आपको ऐसा बैच देखने को मिल रहा है जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस एक साथ तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ हर एक स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, मतलब हर एक स्टडी मटेरियल जो कुछ भी है, स्टडी मटेरियल हुआ, प्रैक्टिस सेट हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें दी जा रही हैं और प्राइस भी बहुत रेयर, बहुत नॉमिनल सी रखी गई है। आप अगर 24/7 के ऐप के माध्यम से जाएंगे तो 519 में आप उसको एनरोल करा सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग कोड Y179। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारी YouTube पे क्लासेस चल रही हैं तो अलग अलग, ये दक्ष बैच के बारे में मैंने बता दिया, आफ्टर अप्लाइंग Y179 यू विल गेट इट इन 519 फ्रॉम अड्डा 24/7 ऐप। और 27 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है भाई, खाली दो या तीन दिन आपके पास बचा हुआ है, 24 तारीख हो ही गई, 25-26 दो दिन बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कराएं। प्रीलिम्स में 102 घंटे की ओवरऑल क्लासेस हैं तो बहुत बड़ा बैच है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे, काफ़ी कुछ इवन मैथ्स के जीरो से लेकर के फाउंडेशन जो मजबूत की जाती है, उस फाउंडेशन से लेकर के हम लोग मेंस तक की चीज़ें कवर करने वाले हैं एक ही बैच में। तो कनेक्टिविटी के साथ आप पहली बार पढ़ोगे प्रीलिम्स और मेंस एक साथ, एक ही टॉपिक को प्रीलिम्स लेके मेंस तक की कहानी को कनेक्टिविटी के साथ आप पहली बार पढ़ने चल रहे हैं इस पर्टिकुलर बैच में। दोस्तों ये तो रही भाई हमारे दक्ष बैच की बात, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अलग अलग पिलर्स जहां पे आप अड्डा 24 जैसे अलग अलग पिलर्स, जैसे आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जैसे बैंकिंग तो बैंकर्स अड्डा, SSC से रिलेटेड SSC, रेलवे NTPC इसके लिए SSC अड्डा, टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपके हैं टीचर्स अड्डा, इंजीनियर्स अड्डा, डिफेंस अड्डा, स्टेट लेवल एग्जाम, ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो। आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है, सारे लोग रेडी, एक बार थम्स अप करके बता दो यार सारे लोग रेडी, क्योंकि बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग सीखो भी। एक बार सारे लोग थम्स अप करके बता दें, हाँ सर रेडी 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 रेडी। ठीक है, अच्छा होमवर्क वाले क्वेश्चन का डिस्कशन बेटे आज तो नहीं, लेकिन हम ये बात ध्यान रखेंगे आपकी, और कल के सेशन में होमवर्क वाले क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर देंगे। आप लोग अगर वहीं पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो, जो आपका कमेंट बॉक्स होता है वहीं पे मेंशन कर दो तो हम डिस्कस कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आज आप बता रहे हो तो चलो हम कल डिस्कस कर देंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन का भी। ठीक है, ओके लक्ष्मी शुक्ला बेटा देख लिया मैंने। ओके, तो मिक्सर एलिगेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि मिक्सर जो कहानी होती है, अलग अलग वेरायटी के सवाल बनते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के, जैसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस टाइप के सवाल करेंगे, और उसमें फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग
कुछ सवालों को एलिगेशन से, और फिर एलिगेशन अलग से ही टॉपिक करेंगे, एलिगेशन के माध्यम से सब सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिक्सचर को रेशियो से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मिक्सचर के सारे सवालों को हम लोग रेशियो से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहली कैटेगरी सवाल की ये होती है, सपोज मैंने आपसे कह दिया कि एक हमारे पास कंटेनर है और इसमें दो वेराइटी के लिक्विड भरे हुए हैं, कुछ हमने कह दिया मिल्क रखा हुआ है और कुछ हमने दोस्तों कह दिया वाटर रखा हुआ है। ये है हमारे पास कंटेनर, ठीक है। हमने आपसे कह दिया कि मिल्क है, सपोज हमारा दोस्तों, हमने कह दिया मिल्क और वाटर का रेशियो मैंने 5 और 7 का रेशियो बता दिया, ठीक, 5 और 7, और हमने टोटल क्वांटिटी दे दी, मैंने कह दिया चलो 120 लीटर है, 120 लीटर मेरा टोटल है और इसमें मैंने मिल्क और वाटर का रेशियो बता दिया 5:7 है। अब आप ये बताओ कि मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, तो आप 120 को ब्रेक करोगे किसमें भाई, 5 और 7 में। आप 120 को 5 और 7 में ब्रेक करेंगे तो मिल्क और वाटर कितना कितना आएगा, 7, 5, 12, और ये आ गया हमारा 50 और 70 के बराबर, ये आ गया 50 और 70 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं ना कि मिल्क जो है मेरा वो 50 लीटर है और जो वाटर है दोस्तों वो 70 लीटर है, 50 और 70 मैंने कह दिया मिल्क और वाटर को। ये कहानी भी क्लियर है, एकदम मैथ से हटके ही सोचना है, ठीक है भाई, ओके। ये हटके देखो, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर उनके पर्सनल डाउट्स हैं, एवरेज से रिलेटेड डाउट हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही तो यार दक्ष बैच है, ठीक है। अब आप कितनी उम्मीद करते हो कि यूट्यूब पे कितना कुछ कर दें हम, मतलब कितनी चीजें आप उम्मीद करते हो कि हम आपके पर्सनल डाउट भी यूट्यूब पे सॉल्व कर दें, आप इतनी उम्मीदें करते हो, थोड़ा सा एफर्ट करिए, आप दक्ष बैच ज्वाइन करिए, ये भी काम कर देंगे हम। तो आपने कहा कि मिल्क वाटर कितना कितना हो गया, 50 और 70। अब जरा सपोज क्वेश्चन ने ये कह दिया कि आपने इसमें 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया, बहुत ध्यान से समझना, 30 लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया। अब देखो इसमें कहां पे हम मैथ्स लगा रहे हैं, कुछ मैथ नहीं लगा रहे हैं, आप बस इतना प्रैक्टिकल सा देखो, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा 120 लीटर का कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5 और 7 है, आपने 30 लीटर वाटर मिला दिया, नया रेशियो बताओ, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन ने। तो अब इसमें मैथ कहां लग रही है, कहां लग रही मैथ, आपकी कहानी लग रही है, बस आपको पता है कि यार दूध और पानी है और उसमें 50 लीटर 70 लीटर भाई भरा हुआ है, दूध और पानी मेरा 50 लीटर 70 लीटर भरा हुआ है। आप जब इसमें 30 लीटर वाटर मिलाएंगे तो वाटर किस में ऐड होगा, मिल्क में तो ऐड होगा नहीं, वाटर हमारा वाटर में ऐड होगा, तो 70 और 30 जुड़ करके नया वाटर दोस्तों कितना हो जाएगा, नया वाटर हो जाएगा 100 लीटर के बराबर। और शुरुआत में जो हमारा मिल्क था वो कितना था भाई, मिल्क तो हमारा अनचेंज रहेगा, मिल्क की क्वांटिटी थोड़े बदलेगी अगर पानी मिलाओगे तो, मिल्क तो वही रहेगा, कितना है मिल्क आपका 50 लीटर, और 50 और 70 का नया रेशियो कितना हो गया, 1:2 आपसे पूछा गया, नया रेशियो बताओ, 1:2 बता दिया आपने। मतलब मेरे कहने का इतना है, जो भी भाषा दी जाए उसको बस कहानी के माध्यम से समझना। अब हम चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत जो करने वाले हैं वो टाइप 1 से शुरुआत करेंगे। टाइप 1 में होता क्या है कि आपको इनिशियल रेशियो दिया जाता है, इनिशियल रेशियो दो कंपोनेंट का, कुछ भी सपोज ए और बी, लिक्विड ए और बी है, यहां पर आपको इनिशियल रेशियो दिया जाएगा, फाइनल रेशियो कुछ एक में परिवर्तन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक हमारा कोई एक कंपोनेंट, वन कंपोनेंट जो होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा और सेकंड जो कंपोनेंट होगा उसमें किया जाएगा चेंज। ये हमारे पहले कैटेगरी के सवाल, आप नोट्स बना रहे हो ना तो टाइप 1 करके ही सॉल्व करना है। पहले टाइप में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चेंज करेंगे, हालांकि उससे भी पहले एक बेसिक हम आपको बता रहे हैं, उस टाइप 1 की कैटेगरी से शुरुआत होने से पहले भी दो सवाल हम आपको कराएंगे भूमिका बनाने के लिए, बिल्कुल पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। आपको होता क्या है कि इनिशियल और फाइनल आपको रेशियो दिया जाता है और कोई एक आपका कांस्टेंट होगा और दूसरे में होगा हमारा चेंज, उस चेंज को हम लोग पकड़ेंगे, इतनी सी मात्र कहानी है। स्टार्ट करने चल रहे हैं भाई, पहला क्वेश्चन आने वाला है, आप जल्दी से पहले एक बार, हाँ बिल्कुल ताबड़तोड़ स्टार्टिंग करने चल रहे हैं आप, एक बार लाइक सारे लोग ठोक दो और शेयर मार दो, ओके आप बस एक बार सारे लोग लिंक को शेयर कर दो और बस एक बार सारे लोग लाइक ठोक दो, शुरुआत करने चल रहे हैं, पहला एग्जांपल आपके सामने आने वाला है, पर लेकिन ये काम छोटा सा कर दो एक बार, ठीक है, ठीक इतना कर दिया करो, सब बोलना ना पड़ा करे, तुम लोग करते ही नहीं हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहला आपके सामने एग्जाम्पल आ चुका है, बहुत ही बेसिक सा सवाल, अभी हम बस आपकी कह रहे ना, हम आपका एकदम जब जीरो से शुरुआत, तो जीरो से शुरुआत, ठीक है, जीरो से शुरुआत मतलब जीरो से शुरुआत, आप बस इमेजिन करो मिल्क और वाटर रखा हुआ है, शुरू किया जाए, चलिए अच्छा
अच्छा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सिड रॉक। रसगुल्ला गुलाब जामुन का मिक्सचर कैसे बना दें भाई? ओके, टाइम अप हुआ। तो मैंने आपसे यही कहा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि मिल्क और वाटर है कितना। 120 लीटर का कंटेनर आपके सामने रखा हुआ है, बड़ी सी टंकी है, एकदम ब्लू कलर वाली टंकी है भाई, उसमें 120 लीटर भरा हुआ है। दो टाइप के लिक्विड हैं, कौन कौन से हैं? मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर दो टाइप के लिक्विड हैं भाई, दूध और पानी है। रेशियो दिया गया है 7:5 का। इसका मतलब पहले तो ये देख लो कि मिल्क और वाटर है कितने कितने। एकदम मन शांत किए रहना, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हर टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर जाओगे। उसके लिए आपको 3 लेक्चर का पेशेंस रखना होगा। सारे लेक्चर जब हो जाएंगे कनेक्टिविटी के साथ, तब आप एहसास करोगे कि हाँ यार, सारे टाइप की प्रॉब्लम अब हम सॉल्व कर सकते हैं। और एकदम स्मूथली लेके चल रहे हैं हम आपको, बिल्कुल स्मूथली, मन पे दबाव नहीं पड़ेगा। आप ये बताओ मिल्क और वाटर हो कितना जाएगा? 7, 5, 12। 12 की वैल्यू अगर 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी मिल्क हो गया मेरा 70 लीटर और वाटर कितना हो गया? 50 लीटर। यही हुआ। अब आपने आगे कहानी बताई, अगर इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब आपको इतनी नॉलेज तो है ये भाई, इसके लिए फॉर्मूला मत रटना। व्हेन वाटर इज एडेड देन एड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टू द वाटर, ये सब मत रटना आप लोग। आपने क्या किया, 10 लीटर वाटर आपने मिलाया जब, तो 10 लीटर किसमें ऐड होगा? पानी, पानी में ही जुड़ेगा। आपके सामने नया जो वाटर का कंटेंट आ गया वो 60 लीटर। अच्छा, मिल्क तो मेरा पहले 70 था, आज भी 70 लीटर ही है। तो 70 और 60 का जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 7:6 का बन जाएगा मेरे दोस्तों। जो आपका नया रेशियो बना वो बन गया 7:6 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहा। तो यहां से एक, एक, एक बहुत ही जीरो से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ठीक। ज्यादा लॉन्ग लपेट दिमाग में मत रखना, बस इतना देखना कि अगर पानी जुड़ा तो पानी में ही परिवर्तन होगा, पानी घटा तो पानी में ही परिवर्तन होगा, दूध मेरा कांस्टेंट रहेगा जब तक कि दूध में भी परिवर्तन करने के लिए ना कहा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, इसको भी उड़ाया जाए। अब ध्यान से समझते चलना, परिवर्तन कहां हो रहा है, किसको कांस्टेंट रखना है। और यार शेयर करो यार थोड़ा, हम तो बस अभी देखो ट्रिक ऑफ द वीक भी चर्चा करने वाले, बस 4 क्वेश्चन के बाद। तो एक बार बस 4 क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन में आप, पांचवा जो होगा स्लाइड, वो आपके ट्रिक ऑफ द वीक होगी। ट्रिक ऑफ द डे नहीं, ट्रिक ऑफ द वीक। यकीनन नहीं देखा होगा आप लोगों ने, अब इस बात की गारंटी के साथ कह रहे हैं। और दिल ना खुश हो जाए तो डिसलाइक मार देना सारे लोग। टाइम अप, टाइम अप हो गया। चलो तो दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें ये कहा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 9:11 दिया गया। देखो एकदम प्रैक्टिकली जो बोला जा रहा है वही लिख दो। मिल्क है, वाटर है, 9:11 दिया हुआ है। यानी हम मान के चल रहे हैं कि 9 लीटर हमारे पास दूध और 11 लीटर मेरे पास पानी रखा हुआ है। 9 लीटर दूध, 11 लीटर पानी, इमेजिन कर लिया आपने। अलग अलग नहीं, उनको मिला के रखा है एक डिब्बे में, 9 लीटर 11 लीटर, क्लियर इतना। फिर आपने कहा कि अब इसमें दूध पानी था, आपने क्या किया, 6 लीटर दूध मिला दिया, 6 लीटर पानी अलग से मिला दिया। प्योर की बात कर रहे हैं, उसमें भी पानी नहीं मिला दूध में, 6 लीटर दूध मिलाया गया, 6 लीटर पानी मिला दिया। नया रेशियो कितना बन गया? 11:13 का बन गया। मुझे एक चीज का आप सारे लोग जवाब दें कि अब आपने दूध भी मिलाया, पानी भी मिलाया, दोनों मिलाया गया ना, दूध और पानी दोनों मिलाया गया भाई। तो इसका मतलब दूध और पानी दोनों में परिवर्तन हुआ है और दोनों की मात्राएं बराबर हैं। आप ये बताओ आपने कितना कितना मिलाया, आपने कितना कितना मिलाया भाई? हमने 2 और 2 मिलाया, हमको दिख रहा है ना। अगर हम रेशियो की बात करें तो 2-2 लीटर हम लोगों ने मिलाया और इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 6 लीटर के बराबर। तो अगर ये 2 मेरा 6 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, हो गया 2 हमारा, हमारे हिसाब से 2, क्वेश्चन के हिसाब से 6 लीटर। तो ये 2 की वैल्यू अगर 6 लीटर के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। आपसे पूछा गया है क्या कि दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध कितना भाई, कहां कहां हमें दिख रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा, ये है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहा। इतना ज्यादा हम लोग को भटकना नहीं है, जो परिवर्तन जैसा कहा जा रहा है वो परिवर्तन वैसा कर दो, उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही ना है। अब आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी ये बताओ दूध और पानी दोनों में परिवर्तन किया क्या है भाई, और अगर ये हमारा बराबर ना हुआ होता रेशियो में तो भैया मुसीबत क्या है? रेशियो क्यों हम लोगों ने सीखा 4 लेक्चर में? खाली इसीलिए कि रेशियो का यूज होता है, पूरी हर जगह पे उसी को यूज ही तो करना है। इन केस अगर आपको दूध और
पानी दोनों में परिवर्तन किया जाए और ये रेशियो बराबर ना दिखे, तो रेशियो को बराबर करना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 27 सबका आ गया, ऑप्शन सी और बिल्कुल भाई सही है, शानदार। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। देखो अभी सपोज आप टाइप वन, अभी आप ये देख लो कि टाइप वन वाले क्वेश्चन में भी नहीं आओगे, अभी नहीं आए हो। टाइप वन जब शुरू होगा तो मैं हम लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में कि टाइप वन यहां से शुरू हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल है सिर्फ बेस क्लियर करने के लिए, टाइमर स्टार्ट होता है। दक्ष वैश का फर्स्ट टॉपिक स्टडी प्लान बेटे पूरा रखा हुआ है, 6 घंटे में सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, 6 लेक्चर है, 7.5 घंटे में सिंप्लीफिकेशन। अब सोचो किस लेवल का तुम पढ़ जाओगे, क्या 7.5 घंटे पढ़ने के बाद क्या आपको लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन में कुछ बचेगा? चलो अभी देखो बेसिक शुरुआत कर रहे हो, अभी गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन में कहानी जो दी गई वो कहानी इस बार भी वैसे ही है, क्वेश्चन की कहानी इस बार भी वैसे ही है कि मिल्क और वाटर दोनों की क्वांटिटी में चेंज किया जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले मिल्क और वाटर दिया गया हमें, और मिल्क और वाटर का रेशियो पहले दिया गया था 5:7। जब आपने कुछ मिलाया तो वो नया रेशियो हो गया मेरा 3:4 का, ये कहानी भी चलो भाई ठीक है। अब ठीक फिर क्या नहीं है यहां पे? ठीक एक चीज नहीं है कि जब हम मिल्क और वाटर को मिला रहे हैं तो दोनों बढ़ना चाहिए ना भाई, ये हमारा घट क्यों रहा है? 5 से वैल्यू 3 क्यों हो गई, 7 से वैल्यू 4 क्यों हो गई, ये घट क्यों रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई ना भाई, कुछ मिलाओगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना यार। अब हमें इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए मैंने क्या कह दिया, क्या करना है आपको इस जैसे यहां पे आपको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 3 और 4 दिया गया है, सही है इतना। बराबर करने के लिए, इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए मैंने कहा था रेशियो के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सबका आंसर आ गया 132, शानदार। रेशियो के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा था 5 और 7 का डिफरेंस 2 होता है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, आप इसको चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें, लेकिन आपके मन की शांति के लिए वो ज्यादा अहम है, हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना सोचो कि नीचे ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये वैल्यू आ गई मेरी 6 और 8 के बराबर मेरे भाई, सही है इतना, 6 और 8 के बराबर। अब आपको बस इतना दिख रहा है कि पहले मिल्क था 5 और वाटर था 7, अब हमारे कितना हो गया, 6 और 8 हो गया। भाई आप ये देख लो कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आप इतना चेक कर लो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। आपने कहा 1 मिलाया, इधर भी हमने कहा 1 मिलाया, भाई मिल्क और वाटर जो शुरुआत में 5 और 7 था, हमने 1-1 लीटर दूध और पानी मिला दिया, हमारा 6 और 8 हो गया। आप कह रहे हो कि 1 नहीं, क्वेश्चन ने कहा है 11 लीटर आपने मिलाया, यानी कि 1 की वैल्यू 11 लीटर के बराबर। आप बता दो मिल्क और वाटर शुरुआत में कितना था, इनिशियली कितना था, तो आपने कहा 5 और 7 मिल के हो गया 12, इस 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब 132 लीटर के बराबर। इनिशियली हमारे पास मिल्क और वाटर 132 लीटर था। अगर आपसे पूछे, आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना भाई, हम सबका आंसर देख रहे हैं, आपसे कह दें बताइए इनिशियल मिल्क कितना था, जल्दी से बता दो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर पूछा गया होता तो कितना बताते आप लोग, और अगर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की प्रारंभिक मात्रा पूछ ली होते तब क्या बताते, जल्दी से बता दो। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है, 2 सवाल हो चुके, 2 सवाल बाद ट्रिक ऑफ द वीक होगा, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए तब तक आप लोग सेशन को बस लाइक और शेयर ठोकते रहो, और हम जब बोल दिए कि अगर वो चीज आपने देखी होगी कभी इस तरीके से, ठीक है, तो फिर जो अच्छा करे आपकी वो करना। आप बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। स्टडी प्लान दे दीजिए भैया, दे तो सब कुछ दिए हैं, अब आप और किस वे में दें, हम तो आपके सामने डिस्कस किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, ओपन करें, सारे लेक्चर्स उसमें लाइन से लगे हुए हैं, लेक्चर 1 पे क्लिक करना, इंट्रोडक्शन जहां पे लिखा था वहां पे मैंने पूरा स्टडी प्लान डिस्कस किया है, ठीक। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, इनिशियल मिल्क मैंने पूछा तो भाई 1 की वैल्यू अगर 11 लीटर तो इनिशियल मिल्क कितना है 5, इस 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 55 लीटर आ गया। इनिशियल वाटर कितना 7 है, 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 77 लीटर आ गया। तो ये ओवरऑल कहानी रही, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग मूव करने वाले हैं, यहां पे जो शुरुआत करने वाले हैं दिस इज एक्चुअली टाइप 1, यहां से अब आपके पहले कैटेगरी की शुरुआत हो रही है जहां पे किसी एक में परिवर्तन किया जाता है, अनदर को कांस्टेंट रखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक किसी कंपोनेंट में चेंज किया जाएगा, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखा जाएगा, जिसको कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट करना है। शुरुआत हो चुकी है टाइप 1 की, नोट्स में अपने लिख लेना टाइप 1 बड़े बड़े अक्षरों में, पहला सवाल उसका मेरे दोस्तों, टाइमर स्टार्ट होता है। बिल्कुल अंशिका सिंगर 55 और 77
किशले कुमार नहीं भट्टे, मैथ्स में आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, अगर आपने दक्ष बैच ज्वाइन कर लिया तो मेंस भी पूरा कवर, 102 घंटे का बैच है। कभी आपने देखा है मैथ्स का इंडिविजुअल बैच? देखो 102 घंटे का, खुद बताना कोई बैच आप उठा के सर्च कर डालो और बता दो कि ये है सर देखिए 102 घंटे का बैच मुझे भेज, 100 घंटे से ऊपर का बैच तो मुझे बता देना। 102 घंटे का बैच है मतलब टॉपिक इतने हैं, तो हम लेवल बढ़ाएंगे इतना ना, इसलिए टाइम लेंगे वहां पे, और आपको जीरो से एकदम सिखाना है इसलिए वहां पे इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं। चलिए तो टाइम दोस्तों आपका समाप्त होता है टाइप वन। अब एकदम प्रैक्टिकल सी भाषा में हम लोग समझते हैं, आपको सॉल्ट और वाटर का कंटेंट बताया गया, सॉल्ट और वाटर रेशियो बताया गया 11 और 14 का। चलो ठीक है भाई, अब हुआ क्या कि मेरे दिमाग में आ रहा है सॉल्ट और वाटर बस एक भगोना है, उसमें नमक पानी का घोल, हमें जो चोट वोट लग गई थी उसी चोट को सिकाई करने के लिए डॉक्टर ने बताया था, तो हमने क्या किया पूरा बड़ा सा भगोना लिया, उसी में दूध नमक पानी रख के गर्म करना, मतलब नमक पानी घोल दिया पूरा, अब उसे नमक और पानी दिख नहीं रहा बस घुला हुआ है उसमें। अब उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने आग पे चढ़ा दिया। अब इसमें होगा क्या कि पानी ही वेपोराइज्ड होगा। देखो हम आपसे बार बार कहते हैं मैथ से हट के सोचना, मैथ्स का यूज खाली गुड़ा भाग करने के लिए और कुछ नहीं, बाकी सारी कहानी। आपने उस भगोने को चढ़ा दिया, पानी आपका उड़ रहा है, कमी किसमें हो रही है, मात्र पानी में कमी हो रही है, नमक की मात्रा मेरी कांस्टेंट है, नमक मेरा कांस्टेंट है और रेशियो आपसे लास्ट में बोला गया कि नमक पानी बराबर बराबर, यानी वो हो गया मेरा वन और वन का, नमक पानी बराबर बराबर हो गए भाई। लास्ट में बोला गया कि नमक और पानी की मात्रा बराबर बराबर हो जाती है, यानी वन रेशियो वन हो जाता है, ये बात भी सही रही। अब एक बात बताओ कि अगर पानी ही मात्र उड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में ही परिवर्तन हुआ है, नमक की मात्रा में क्या कोई परिवर्तन हुआ? कतई नहीं, नमक की मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको बस वही करना है कि जो अनचेंज है उसको कांस्टेंट करना है। अगर ऊपर सॉल्ट 11 था तो इसको भी मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये वैल्यू आ गई 11, ये वैल्यू हो गई 11। अब देखो आपने क्या किया कि सॉल्ट और वाटर, ये हमारा लास्ट में हमने क्या किया, सॉल्ट की अमाउंट को कांस्टेंट कर लिया। आपको स्टेप समझ आ गया क्या करना होता है, आप बस सॉल्ट के अमाउंट को कांस्टेंट करते हो, 11 11 देखो बराबर हो गए। अब आप देख लो कि वाटर में परिवर्तन कितना हुआ, पहले वाटर था 14, अब वाटर हो गया हमारा कितना 11, पहले वाटर था मेरा 14, अब वाटर हो गया दोस्तों 11, यानी कमी कितने की हुई, तो आपने कहा कमी हुई है 3 की, और ये 3 ही तो बराबर है कितने के भाई, आपने कहा 14 लीटर के, ये 3 बराबर है मेरा 14 लीटर के, तो बता दो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको हो गए 14/3 लीटर के बराबर। आपसे पूछा गया कि बताइए प्रारंभिक क्या बोला गया कि प्रारंभिक मात्रा में मिश्रण का पता लगाएं, यानी कि पानी मतलब ओवरऑल मिक्सचर का इनिशियल अमाउंट कितना था, तो 11 और 14 मिलके कितना हो गया 25, 11 और 14 मिलके कितना हो गया 25, इस 25 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू ये 14/3 लीटर के बराबर है, इसका मतलब इनिशियल कितना हो जाएगा मिक्सचर आपका, इनिशियल मिक्सचर की बात करें तो यही 25 × 14/3, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर रहा। एक बहुत ही मतलब एक आप ये समझे कि पूरा कंसेप्ट क्या रहा, बस और कुछ नहीं, पूरा लॉजिक क्या आपने लगाया भाई, न्यूमेरिकल नंबर डजंट मैटर यार, कटने वाली संख्या इंटीजर आएगा कटने वाली संख्या नहीं है, डेसिमल आएगा वो मैटर नहीं करता, आप बस ये फोकस करो कि इस पूरी की पूरी कहानी में आपने सीखा क्या, कोई एक कांस्टेंट है किसी दूसरे में दोस्तों हम लोग चेंज करने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक ये क्वेश्चन है, इसको भी उड़ाया जाए, तरीका समझ गए हो टाइप वन, अब एकदम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ठीक है। चलो अभी एक बार सीख लो तो आपको आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा, सारे कैटेगरी टाइप वन अभी आप सीख लो, टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर सब आपके लिए आसान हो जाएंगे, और आप लोग शेयर करते रहो मेरे दोस्तों, चौथा सवाल है शेयर करो बड़े स्तर पे, हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, वी आर गोइंग टू क्या अबाउट टू रीच यू नो, हाँ पहुंचने वाले ट्रिक ऑफ द डे में, तब तक 1000 बच्चों आप लोग पहुंचाओ कैसे भी करके, ठीक है 1000 बच्चों तक ये इसकी रीच पहुंचाएं आप सारे लोग। हाँ भाई जब इतनी तगड़ी चीज अब आज होने वाली है तो चलो कोई बात नहीं। अब आप ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला कि अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो बताया गया 3:2, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो बता दिया मैंने 3:2 शुरुआत में, बाद में जो कितना पानी मिलाना चाहिए कि बाद में रेशियो 9:11 हो जाए। देखो दूध और पानी आपको बस इतना फोकस करना है, एक इनिशियल रेशियो एक फाइनल रेशियो, रेशियो देने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए।
रेशियो देने के तरीके हो सकता है परसेंटेज में दे दिया जाए, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में दे दिया जाए, लेकिन आपको पता चल गया कि मिल्क और वाटर 3:2 है। बाद में जो रेशियो हुआ वो 9:11 का हो गया, यानी कि आपको पता है कि अगर हम पानी मिलाएंगे तो मिल्क मेरा चेंज नहीं होगा। बस यही कहानी तो पकड़नी होती है, आप बस प्रैक्टिकली देखें कि कॉन्स्टेंट क्या हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है। तो मिल्क हमारा अपरिवर्तित रहेगा, ये बात हम सबको पता है, मिल्क मेरा अनचेंज रहेगा। अब मिल्क मुझे अनचेंज करना है, मतलब मिल्क हमें कांस्टेंट दिखना चाहिए, यानी आप बस सरल भाषा में ये समझें कि ये 9:3 आपको बराबर दिखना चाहिए। 9:3 बराबर कैसे होगा, जब आप इस 3 या 9 को बराबर करें, चाहे आप 9 को 3 से डिवाइड कर दें, चाहे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने वाला ज्यादा आसान है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अब मेरा मिल्क कांस्टेंट हो गया 9:6 के बराबर। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखें, आप सारे लोग, आपने मिल्क की क्वांटिटी को कर दिया है बराबर, मिल्क मेरा पहले भी 9 था, आज भी 9 है, वाटर मेरा पहले 6 था, आज 11 हो गया, यानी कि वाटर मैंने कितना अपनी तरफ से मिलाया, आपने मिलाया 5, मुझे इस 5 की वैल्यू चाहिए, मुझे इस 5 की वैल्यू चाहिए, मिलेगी कहां से, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना दिया है, 45 लीटर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 45 लीटर दिया गया है, 9 और 6 को ऐड करो वैल्यू कितनी आती है, 15 के बराबर, इस 15 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताया 45 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 3 के बराबर, इस 5 की वैल्यू, यही तो पूछा था कितना मिलाओगे, तो 5 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब आ गया 15 लीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्तों आप सबका करेक्ट जवाब रहा। टाइप 1 के दूसरे सवाल को भी हम लोगों ने सीखा, अभी भी हमारा लर्निंग फेज चल रहा है, हम लोगों ने पहले बेसिक देखा, हम लोग टाइप 1 के प्रॉपर क्वेश्चंस पे आए, जहां पे हम लोग अभी 2 सवाल करके उस कंसेप्ट को अपने मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस टाइप के सवालों को करना कैसे है। ठीक, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बस ये इसी के जस्ट बाद आपका है ट्रिक ऑफ द डे, 5वें सवाल के बाद था, तो बस ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया जाए, तब तक आप सारे लोग एक बार सेशन को लाइक वाइक ठोक दो यार, थोड़ा दिल खुश हो जाए मेरा भी। चलो टाइम अप, समय समाप्त हुआ, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है भाई, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया गया 2:1 का है, उसी टाइप में कहानी चल रही है, बिल्कुल डिट्टो। बाद में यदि यह अनुपात 1:2 होना है, यानी कि ये अनुपात आप 1:2 चाहते हो, तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा आपको बतानी है, फिर से वही कहानी, मिलाया जाना है पानी, तो दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, तो दूध की मात्रा मेरी होगी अनचेंज, मिल्क की क्वांटिटी कांस्टेंट होगी मेरे दोस्तों। मिल्क की क्वांटिटी कांस्टेंट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों जगह पे, क्यों किया, क्योंकि हम इस 2 को बराबर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू तो मेरी हो गई 2 और ये वैल्यू हो गई मेरी 4 के बराबर, मिल्क मेरा कांस्टेंट हो गया, ऊपर 2 नीचे 2, मिल्क मेरा कांस्टेंट हो गया, जब मिल्क कांस्टेंट रहेगा तो उसको तो कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब वाटर में आपने देखो कितना चेंज किया, तो 1 और 4 चेंज कितना किया आपने, आपने कहा हमने 3 मिलाया है, अपनी तरफ से कितना मिला दिया दोस्तों, 3 मिला दिया। अब बस आपको इतना देखना है, 1 और 4 3 आपने मिलाया, अब बस आप ये देख लो इस 3 की आपको वैल्यू चाहिए, इस 3 की वैल्यू चाहिए। अच्छा, आपको मिलेगी कैसे, क्योंकि इनिशियल अमाउंट आपको दिया है 60 लीटर, तो 2 और 1 3, इनिशियल यही तो है हमारा, शुरुआत में 2 और शुरुआत में 1, हमारे हिसाब से इनिशियल कितना था, आपने कहा 3, हमारे हिसाब से इनिशियल कितना था भाई, आपने कहा 3, और इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 60 लीटर, और हमसे 3 की ही वैल्यू पूछी है, आपका जवाब कितना आ गया 60 लीटर, भाई 3 की वैल्यू 60, चाहे तो 1 की वैल्यू 20, फिर 3 की वैल्यू 60 करो, या तो 3 की वैल्यू आपको 60 लीटर दी है और आपसे 3 की ही तो वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो ये अभी तक आप लोगों ने टाइप 1 की कैटेगरी आप देख रहे हो, जिसमें आप लोगों ने 5 सवाल किए, 5 में से 3 सवाल आपके टाइप 1 कैटेगरी के थे, 2 आपके और भूमिका बनाने के लिए थे। मेरे दोस्तों ये रही अभी तक की कहानी, अभी हमें और भी आगे करना है, ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ा सा समय हम लोग लेंगे ट्रिक ऑफ द वीक में, ठीक है। तो आप सारे लोग तैयार हो तो एक बार भाई सारे लोग एक बार लाइक ठूंक दो। चलो ओके, स्टार्ट किया जाए, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्वायर निकालने का तरीका, क्यूब निकालने का तरीका, एक तरीका जो होता है यूजुअली स्क्वायर की बात करते हैं तो आप लोग यही कर, हमने कह दिया 74 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करते हो, ऐसे करते हो, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 7 × 4 28, 28 × 2 कितना हो गया 56, जोड़ दिया 6 6 1 7 9 5 14 4 1 5, स्क्वायर निकालने का ये तरीका आप लोगों ने खूब देखा,
एक और एग्जांपल दे देते हैं, स्क्वायर निकालने का तरीका तो ये आप लोगों ने देखा खूब, है ना, कहीं पे लिखा हुआ चलो 87 का स्क्वायर, तो आपने क्या किया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 × 7 56, 56 और दूना 112, तो पहला प्लेस छोड़ के लिखते थे ना 112, ऐड कर दिया 2 4 2 6 4 1 5 6 1 7, स्क्वायर निकालने का ये तरीका खूब आप लोगों ने देखा, ठीक है भाई। प्रीवियस क्वेश्चन में इनिशियल रेशियो 3:2 पता नहीं, दिनेश यादव क्या बोल रहे हो, इनिशियल रेशियो 3:2 कहाँ लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, इनिशियल रेशियो 3:2, अरे 2:1 लिखा है यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक इतना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यूब निकालने का क्या देखा था आप लोगों ने, क्यूब निकालने का भी तो तरीका देखा था, याद करो, कोई भी नंबर सपोज 17 लिख दिया, हमने कहा 17 का क्यूब बताओ, तो क्या करते थे, पहले इधर से कुछ लिखते थे, फिर इधर से कुछ लिखते थे, फिर इधर से कुछ लिखते थे, फिर इधर से कुछ लिखते थे, और लास्ट में जाके जोड़ते थे, यही कुछ करते थे, याद है। अब देखते हैं हम लोग क्यूब निकालने की एक अच्छी सी ट्रिक, एक अच्छा सा तरीका देखते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, पहले बहुत पोलाइटली समझना एकदम। सपोज हमने क्यूब निकालनी है 12 का क्यूब करना है मुझे, सबको रटा हुआ है, 1728 होता है ना, 1728 होता है, सबको रटा है। चलो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमें 6 डिजिट की पूरी नंबर लिखनी है, कैसे, और वो भी 6 डिजिट की ऐसे ही नहीं, देखो कैसे, 1 का क्यूब सबसे पहले लिखो, पहली नंबर कौन सी है 1, 1 का क्यूब रखो, तो 1 का क्यूब 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है, सबसे पहले 3 डिजिट में। 2 का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब भी मुझे 3 डिजिट में ही लिखना है, और क्या लिखोगे 3 डिजिट में, 8 होता है ना, तो आप इसको 008 लिखेंगे, ऐसे बस, क्लियर हो गया इतना, इतना तक क्लियर। 1 का क्यूब मैंने क्या किया 3 डिजिट में लिख दिया 001, 2 का क्यूब मैंने क्या किया 3 डिजिट में 008 लिख दिया, सही है इतना। फिर क्या करना है, आप इस नंबर को करें, देखो क्यूब की क्या है कि आप लोग ऐसे ऐसी ट्रिक ही देखे हो कि उसको फिर ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, मतलब इतना बुरा लगता है कि छोड़ ही दो, लगता है मन में कि हम इससे बढ़िया मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये ट्रिक आपके यूज की है, आप इसको यूज करोगे, जरा ध्यान से देखो। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऐसे लिखना 1 2 3, मल्टीप्लाई करो सबको, ऐसे मल्टीप्लाई करो 1 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, 1 × 1 × 2 कितना हुआ, 2 × 2 × 3 कितना हो गया, 6 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इसी 6 को मल्टीप्लाई करना है बीच वाली नंबर से, एक स्टेप मात्र आपको करना है। हमने फिर से सुन लो क्या किया, हमने इस 1 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 × 2 × 2 × 3 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से, तो 6 × 12 कितना हो गया 72। अब इस 72 को पहला प्लेस छोड़ के लिखना है, तो लिख दिया मैंने 72, ठीक है, पहला प्लेस छोड़ के लिखना मैंने 72 लिख दिया। अब ऐड कर दो तो 8 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया 1728। पहला क्वेश्चन था, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना मजेदार, आप ये बताना और कुछ नहीं, ठीक है भाई, ओके। अब एक और देखो यहां पे, एक और एग्जांपल, इतना समझ पाए आप सारे लोग, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इसको हटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप सारे लोग फटाक से, इसको हटा रहे हैं, एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया, चलो सपोज किसका छोटा और नंबर लेते हैं अभी, 14 का क्यूब, पहले समझने के लिए छोटा छोटा नंबर, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। 14 का क्यूब मैंने लिख दिया, सबसे पहला काम 1 लिखा हुआ है, 1 का क्यूब 001, 3 डिजिट में लिखना, ये बात ध्यान रखना। 4 का क्यूब 64 होता है ना, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 का मतलब 064, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, 4 का क्यूब 64, ये भी सही रहा। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 4 4 × 3 कितना हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करना इनको, तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 कितना आ गया, 12। अब इस 12 को मल्टीप्लाई करो 14 से, तो कितना हो जाएगा, 12 × 14 मतलब 13 का स्क्वायर -1, 12 × 14 का मतलब क्या हुआ, 13 स्क्वायर -1, यानी 13 × 13 का स्क्वायर 169, 1 घटा दो 168। पहला प्लेस छोड़ के लिखना है मुझे, कितना लिखना, 168, ऐड कर दो 4, 6 और 8 मिलके 14 हुआ, 4 कैरी 1 के बराबर, 6 और 1 मिलके हो गया 7, 1 और 1 मिलके हो गया 2, 2744, ये हमारे पास आ गया क्यूब आ गया। क्लियर इतना, ये कहानी भी क्लियर रही, और आगे बढ़ रहे हैं, और एग्जांपल्स आप देखो, स्क्रीनशॉट आप इनका लेते रहना भाई, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल मैंने आपसे दिया, मैंने कहा छोटे और नंबर, अभी 18 का क्यूब मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है, 18 का क्यूब मैंने पूछ लिया। अब इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो भाई, एक बार बस शेयर करके यार, इतनी जबर, अगर खुद अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर मारो, 1000 बच्चों को कम से कम आपको टच कराना है, क्योंकि ये चीज अभी तक आप में से 99% बच्चों ने नहीं देखी होगी। अगर एग्री कर रहे हो तो एक बार चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के, चाहे लाइक ठोक के बता देना मुझे, ठीक है। चलो अब 1 का क्यूब मैंने कह दिया, लिखा हुआ 001, 8 के क्यूब की बात करें तो हो जाता है मेरा 512, ठीक।
अब इसके बाद करना है आपको मल्टीप्लाई, 1 × 8 × 3 इनको मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 1 = 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, 24 को 18 से मल्टीप्लाई करना, 18 चौक कितना होगा, पहला प्लेस छोड़ के 18 को 24 से मल्टीप्लाई करना, 18 चौक कितना हो गया 72, 2 × 7 के बराबर, 18 × 2 = 36 और 7 मिलके 43 हो गया, ऐड कर दो, 2 आया, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 5 और 3 मिलके 8, 4 और 1 मिलके 5, 5832, ये हमारा किसका क्यूब आ गया, 18 का क्यूब आ गया। क्लियर इतना? हाँ, एग्जाम में ये ट्रिक याद नहीं रहती, एग्जाम में तो कुछ नहीं याद रहता जो नहीं पढ़ता बेटा, उसमें कौन सी बात है, हम वही कह रहे हैं, हमारे साथ के जो और लोग हैं उनको कुछ नहीं याद रहता एग्जाम में, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, तो क्या किया जाए उसके लिए, भैया पढ़ के प्रैक्टिस करनी होती है, अपनी हैबिट में उतारना होता है। 2 की टेबल तो आज तक ना भूले, 2 की टेबल तो आज तक नहीं भूले, क्यों नहीं भूले, क्योंकि हर हमेशा यूज में आता रहता है, आप जब छुओगे नहीं उसको तो कहाँ से रहेगा। अब जब कभी क्यूब निकालना हो तो इस तरीके का इस्तेमाल करना क्यों भूल जाएगा, इसमें ना भूलने जैसा कुछ है ही नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कह दिया चलो भाई लिखा हुआ है 34 का क्यूब करना है, 34 का क्यूब करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, 3 का क्यूब 27, तो हम लिख देंगे 027। 4 का क्यूब कितना करोगे 64, यानी आपने लिख दिया 064, ये कहानी भी क्लियर रही। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 4 × 3 कितना हो, 3 × 4 = 12, 12 और 3 मिले कितना हो गया 36, इस 36 को मल्टीप्लाई करना है 34 से, तो 36 और 34 को मल्टीप्लाई करना है क्या 35² - 1, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 1 घटा दो 1224, 36 × 34 कितना आ गया 1224, पहला प्लेस छोड़ के लिख दो 1224, ठीक है 1224 लिख दिया पहला प्लेस छोड़ के, ऐड कर दो 4 × 6 = 10, 2 × 1 = 3, 7 × 2 = 9, 2 × 1 = 3, ये हमारे पास आ गया 39304। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब आपके सामने क्यूब निकालना आसान ही हुआ, अब मुश्किल नहीं रह गया। एक ही लिमिटेशन है, एक ही प्रॉब्लम आती है आपके लिए, जब नंबर्स बड़ी होती हैं तो ये लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक ही स्टेप आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके और तो इसमें कुछ है ही नहीं है, और तो इसमें कुछ है ही नहीं है, बस एक ही चीज तो आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों। आई होप कि ये आप लोगों को भाई समझ आ गया होगा। सपोज मैंने आपसे कह दिया कि जल्दी सब कुछ एग्जांपल हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, उसका भी जल्दी से आप फटाफट से बता दो, इसको हटा रहे हैं भाई, आप जल्दी से बता दो मुझे 21 का क्यूब कितना होगा, और कुछ आप अपने खुद के लिए रख लो, ठीक है, खुद अपने आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। नंबर्स बड़ी हो जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा ये इसका दायरा नहीं है बहुत बड़ा कि सब कुछ इसी से हो जाएगा, भाई नंबर्स बड़ी होंगे मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो और मुसीबत है। लेकिन जितने आपके एग्जाम में जितना आपको यूज होगा उतना तो आप इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जितना आपके यूज में आएगा उतना आप इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 21 का क्यूब करना था 1 का क्यूब 001, 2 का क्यूब कितना हो गया 008 हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = कितना हो गया 6, 6 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 × 6 कितना होता है 126 लिख दिया, 126 ऐड कर दिया, 6, 2, 8, 1, 9, 9261। अगर आपको सच बता रहे हैं, अगर आप एक बार सीख गए तो इसमें बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नंबर्स बड़ी होंगी तो फिर मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा, तब इसका यूज नहीं है फिर। लेकिन अगर आप 2 डिजिट तक की नंबर कर रहे हैं तो इसमें एक ही काम तो मल्टीप्लाई करना है, बात समझ में आई। अगर दिल से आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों, ठीक है, दिल से अच्छी लगी हो तो एक बार सारे लोग लाइक ठोकना, मुझे भी खुशी मिली थोड़ा सा, ठीक है, बस ठीक। आई होप कि आप लोग बताएं जरूर लाइक वाइक ठोके कि हाँ सर कैसी लगी ये ट्रिक, ठीक है। आइए अब हम मिक्सचर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बार आप लेकिन लाइक जरूर ठोक देना, मुझे भी खुशी होगी, हाँ ठीक है अच्छा लगा आप लोग को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वही मिल्क और वाटर का हमारा टाइप 1 का ही सवाल चल रहा है, टाइप 1 का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शुरू किया जाए। सोनाली शर्मा आप बेटे इसी सब के लिए दक्ष बैच है, आप लोग मतलब सोचते हो कि थोड़ा भी एफर्ट आप ना करें, गुरुजी सारा एफर्ट कर दें। चलो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, टाइप 1 आपका है। अब इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना, मैंने आपसे कहा आप बस इतना फोकस करो कि आपको इनिशियली आपको दिया गया है मिल्क और वाटर, कुछ भी कंटेनर हो, क्या कंटेंट है सॉल्ट एंड वाटर, लिख दिया मैंने सॉल्ट और फिर लिख दिया हमने वाटर। आपसे ये बोला जा रहा है कि 40% सॉल्ट है, अब ये बताओ अगर किसी मिक्सचर में 40% सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा 60% वाटर होगा, बात समझ पा रहे हो, अगर 40% नमक है तो इसका मतलब 60% वाटर है। आप इसका रेशियो ले लो, 20 से कैंसिल करो, 20 × 2 = 40 और 20 × 3 = 60, 2 और 3 आ गया ओवरऑल
टू एंड थ्री आ गया। सॉल्ट और वाटर हमने लिख दिया दोस्तों टू एंड थ्री, इतनी कहानी भी क्लियर है, टू और थ्री हो गया। बाद में आपने क्या किया, इसमें इतना लीटर वाटर वेपराइज कर दिया गया तो नया रेशियो पांच और तीन का हो गया, नया रेशियो मेरा पांच और तीन का। बस कहानी ही तो समझना है कि आगे की इस कहानी में, इस पर्टिकुलर कहानी में किया क्या गया, आपने वाटर को वेपराइज किया है। वाटर को अगर वेपराइज किया है इसका मतलब सॉल्ट हमारा कॉन्स्टेंट होगा, अगर पानी को वाष्पीकृत करके उड़ाया जा रहा है तो नमक की मात्रा स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उस नमक की मात्रा को मुझे स्थिर और कांस्टेंट करना है, इस बात का आप सारे लोग ध्यान रखें। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए दो और पांच को आप बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए दोस्तों आपने क्या किया, इसको पांच से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मुझे करना पड़ेगा, इसको मैंने दो से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी हमें इस चीज को करना पड़ेगा। ये वैल्यू आ गई 10 और 15 के बराबर, और इधर वैल्यू आ गई 10 और 6 के बराबर, 10 और 15 और 10 और 6, तो 10 10 मेरा कांस्टेंट हो गया। आप यहां पे देखो आपने कितना वेपराइज किया है, भाई आप ये बताएं कि आपने वेपराइज कितना किया, तो आपने कहा 15 था पहले वाटर, बाद में 6 बचा, कमी कितने की आई, 9 की। देखो यकीन मानिए अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, अगर खुद आप सीखना चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहेंगे यार तो फिर तो कोई नहीं सिखा सकता, ठीक। बाकी 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने बताई है 2.7 लीटर के बराबर, यानी कि जो हमने वाटर को वेपराइज किया उसको 9 माना, ठीक है, हमारे हिसाब से तो 9 ही आया, क्वेश्चन ने कहा 2.7 लीटर, 9 की वैल्यू 2.7 लीटर यानी 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 लीटर। आपने कहा कि भाई इनिशियली बताइए मिक्सचर की इनिशियल अमाउंट क्या थी, सॉल्ट और वाटर 15 और 10 मिलकर कितना हो गया 25, इस 25 की वैल्यू कितनी थी 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 लीटर आपके सवाल का सही जवाब रहा। तो टाइप वन के इस तमाम टाइप की तमाम जो टाइप वन की हमारी फ्रेमिंग है उसको हम लोग बखूबी मुझे लगता है कि हम लोग सीख भी चुके हैं, बस किसी एक को कांस्टेंट करना होता है। एक बार बता दिया जाए आप सारे लोग सीख गए हो कि इस पे और सवाल करने की जरूरत है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप सारे लोग बता दो, ये जो किसी एक को स्थिर रख करके किसी एक में चेंज किया जाता है तो आप चाहे ऐड करो और चाहे दोस्तों आप उसको वेपराइज करो, मुझे लगता है आप सारे लोग सीख गए हो भाई, एक बार बताना जरूर सारे लोग, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं किसी और टाइप के, एक और क्वेश्चन लास्ट इस पैटर्न पे आप कर लो, टाइप वन आपका कंप्लीट होता है, अलग अलग कैटेगरी में बांट के करेंगे, पूरा टॉपिक आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ भाई इसी इसी टाइप की फ्रेमिंग होती है, ठीक है। चलो ओके, बहुत बढ़िया मोना मीना, ओके डन। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आपसे इस सवाल में ये बोला गया, उसी टाइप का सवाल है भाई, आप देखो इनिशियल रेशियो दिया गया, एक मिक्सचर में 60% अगर मिल्क है तो वाटर 40% होगा या नहीं, अगर 60% मिल्क है तो 40% वाटर होगा, रेशियो की बात करें 20 से काट दो तो कितना रेशियो आ गया, 3 और 2 का रेशियो, यानी आप कह सकते हो मिल्क और वाटर पहले 3 था बाद में 2 हो गया, इतना कहानी क्लियर है। आपसे बोला गया 14 लीटर पानी को मिलाया गया तो नया रेशियो 6 और 5 का हो गया, फाइनल रेशियो मुझे दे दिया गया 6 5, बस यही एक ही टाइप पे तो घूम रहा है, टाइप वन एक ही कैटेगरी एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं। आप यहाँ पे कहोगे कि मिल्क और वाटर, इसको मिल्क को कांस्टेंट करना है, कैसे कांस्टेंट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, हमारे पास शुरुआत में मिल्क 6 और 4, मिल्क और वाटर 6 और 4, हमने क्या किया, हमने इस 6 और 6 को बराबर किया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो वाटर पहले 4 था अभी कितना हो गया 5, यानी आपने कितना मिलाया 1 मिलाया, और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी 14 लीटर के बराबर। आपसे कहा गया फाइंड इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी 6 और 4, 6 और 4 मिलके 10, 10 की वैल्यू 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 लीटर आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा भाषाएं बदल सकती हैं, ये बात ध्यान रखिए, लैंग्वेज बदल सकती है, ये जो आपको रेशियो दिया जा रहा है जो आप लिखते हो डायरेक्ट 3:2, 2:6, 5, ये आपको अलग अलग भाषाओं में दिया जा सकता है, कभी परसेंटेज में, कभी फ्रैक्शन में, कभी डायरेक्ट रेशियो, इस तरीके से दे, किसी भी भाषा में दे, लिखना आपको रेशियो ही है, ठीक है इतना। और रेशियो के मेथड से पहले कैटेगरी के सवाल को आपने बखूबी सॉल्व कर दिया। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, अब यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पे जरा ध्यान से देखें, अब चीजें आपकी बदल रही हैं, इस क्वेश्चन की कहानी को ध्यान से पढ़ना। आप अगर ये बताओ, हम कह रहे हैं कि मेरे पास मिक्सचर रखा हुआ है 60 लीटर मिक्सचर रखा हुआ है, आप इसमें से सपोज कुछ निकालते हो, छोटा बर्तन, आपने 10 लीटर निकाल दिया, आपने ये बताओ अगर आपने 10 लीटर निकाल दिया, ये कहानी पहले अच्छे से समझ लो, अगर आपके पास एक सपोज दूध और पानी का, या फिर ऐसे सोच लो चीनी पानी का घोल रखा हुआ है, आपने खूब बड़ा सा ड्रम है, आपने उसमें से एक बाल्टी निकाल लिया, ठीक है, तो क्या उसमें जो रेशियो है उस रेशियो पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर हम आपसे कहें कि इसमें रेशियो भाई कितना दिया था 3:2, अगर पहले 3:2 था, आपने इसमें से कुछ निकाला तो इसमें कितना रेशियो होगा? एक बाल्टी शरबत लो, एक ग्लास निकालो पियो, जितना मीठा ये इसको पियो ग्लास वाला और बाल्टी वाला पियो,
तो जितना मीठा ग्लास वाला है उतना ही मीठा तो बाल्टी वाला है। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम मिक्सचर में से कुछ निकालते हैं तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमें जानना जरूरी है। तो अब यही हमारा मेन फोकस होगा कि जब, अगर ये बात ध्यान रखना या आप नोट करके रख लो कि जब मेरे दोस्तों मिल्क और मतलब जब आपके सामने कोई भी मिक्सचर दिया हो और जब आप मिक्सचर में से कुछ भी निकालते हो तो उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात का बस आप ध्यान रखें, रेशियो पे कोई इफेक्ट दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है। इतना अब टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करें इस चीज का। ओके अंकित राणा, 1:1 सही है। देखो आज एकदम फाउंडेशन एकदम आपकी क्लियर हो रही है, पहला लेक्चर है, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। अब अगर जो बच्चे ये नहीं देखेंगे सोचेंगे डायरेक्ट दूसरे लेक्चर से शुरू करें तो उनके लिए फिर दूसरे लेक्चर में समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कनेक्टिविटी के साथ, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि दक्ष बैच आप सबको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वहां प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक की चीजें एक साथ एक कनेक्टिविटी में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे बोला जा रहा है कि चलो ठीक है भाई, 60 लीटर का मेरे पास मिक्सचर था, 60 लीटर ऐसे बना दिया आपने, 60 लीटर का मिक्सचर। आप मुझे ये बताओ 60 लीटर में से आपने क्या कर दिया, 10 लीटर आपने निकाल दिया, ठीक है। जब 60 में से 10 लीटर निकाल दिया तो अब आपके पास कितना बना बचा? आपने कहा 50 लीटर बचा, 60 में से 10 निकाल दिया 50 लीटर बचा। और इसमें रेशियो कितना है? 3:2 का। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:2 का। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने यही सीखा ना कि अगर मिक्सचर में से कुछ हम निकाल रहे हैं तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब मिल्क और वाटर कितने कितने हो जाएंगे? 3, 2, 5। 5 की वैल्यू अगर 50 लीटर तो 1 की वैल्यू 10, इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी 30 लीटर के बराबर, ये वैल्यू आ जाएगी 20 लीटर। यानी मुझे इतना पता चला कि मिल्क और वाटर का जो मेरा कंटेनर था उसमें से जब मैंने कुछ चीजें निकाली मेरे पास 50 लीटर मिल्क और वाटर बचा, उस 50 लीटर में मिल्क और वाटर कितने कितने हैं? 30 लीटर और 20 लीटर। आगे आपने क्या किया? आगे आपने 10 लीटर पानी मिला दिया। रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है ना, पहले आपने कुछ निकाला और फिर आपने क्या किया? पानी मिला दिया। दो स्टेप में काम हुआ ना। तो दोबारा आपने 10 लीटर पानी मिलाया, जब आप पानी मिलाओगे तो पानी पानी में ही आपस में जुड़ेगा, पानी पानी आपस में जुड़ जाएगा, 20 और 10 जुड़ के कितना हो गया? अब नया पानी की मात्रा जो आई वो 30 लीटर आ गई, नई पानी की मात्रा 30 लीटर, पहले पानी की मात्रा 30 लीटर। रेशियो आप इस 30 और 30 का ले लें, आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3:1 का आ जाएगा। सही है, इतना क्लियर डन रहा भाई। अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए, समझ आ गया सबको? बस कहानी को समझने की कोशिश किया करो और कुछ नहीं, कुछ निकला फिर कुछ मिलाया गया, बस उसी कहानी को समझने की कोशिश किया करो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये दोस्तों आपका टाइमर स्टार्ट होता है। लाइक करने में तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो यार, पता नहीं क्यों। मतलब हम देखो कितने प्यार से आप लोगों से कहते हैं कि यार प्लीज यार लाइक वाइक कर दिया करो, हम इस तरीके से कहते हैं, फिर भी तुम लोग को मतलब नहीं लाइक तो नहीं करेंगे, तुम करवा दिखाओ, नहीं करेंगे। चलो टाइम अप, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, 60 लीटर का मिक्सचर इमेजिन करो किसी दूध वाले को, ठीक है भाई, किसी दूध वाले को इमेजिन करो, 60 लीटर था उसके पास, ठीक है, रेशियो कितना था? 3:2। अब उसने 20 लीटर निकाल के किसी को दे दिया, तो 60 में से जब उसने 20 लीटर निकाल के किसी को दे दिया तो अब उसके पास कितना बचा? 40 लीटर। बात समझ पा रहे हो? अगर उसमें 60 में से किसी को 20 लीटर दे दिया तो 40 लीटर बचा उसके पास। अच्छा रेशियो कितना है उसमें? 3:2 का ही है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? अभी भी 3:2 का ही है। कितना कितना मिल्क और वाटर हो जाएगा जरा बता दो? 3, 2, 5। 5 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू 8, यानी ये हो गया 24 लीटर और ये हो गया दोस्तों 16 लीटर। अभी तो रेशियो में ब्रेक कर ही लेते हो ना। एक दूध वाले के पास 60 लीटर का एक ड्रम था, उसने 20 लीटर निकाल करके किसी को दे दिया, उसके ड्रम में 40 लीटर की मात्रा बची। अब वो आगे बढ़ा तो उसका एक भाई आता हुआ दिखा, उसने उससे कहा कि मुझे 20 लीटर अपना जो मटेरियल है मिल्क और वाटर का मिक्सचर वो मुझे 20 लीटर दे दो ताकि हम अपने वाले में भर लें। तो अगर जब उसको 20 लीटर देगा तो उसमें तो रेशियो अलग है ना, उसमें रेशियो क्या है भाई? उसके रेशियो 4:1 है भाई, जो अपने दोस्त से लिया वो, उसमें क्या था मिल्क और वाटर का रेशियो? 4:1 था मिल्क और वाटर, यही तो था मिल्क और वाटर का रेशियो। अब कितना कितना आ जाएगा देखो, 4, 1, 5, 5 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू हो गई 8, 8 चौक कितना हो गया 32 लीटर और ये हो गया 8 लीटर।
यानी कि जो अपने उसने अपने दोस्त से 20 लीटर लिया, उसमें मिल्क और वाटर कितने कितने थे, 32 और 8 लीटर थे। अब इनको दोस्तों आप आपस में ऐड कर दो, अब आप इनको आपस में ऐड कर दो, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 लीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 32 लीटर, इनको आपस में आपने ऐड कर दिया तो 30, 20, 50, 4, 2, 6 यानी ये वैल्यू आ गई 56 लीटर के बराबर, इनको आपस में ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 24 लीटर के बराबर, 56 लीटर और 24 लीटर, सही रहा इतना। अब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, सब कुछ सही है इतना, 60 था, 20 निकल गया, बचा कितना, सही है सब कुछ, ओके ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे बता रहे हो सारे लोग, 2:1, 2:1, 2:1, सबका ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा भाई, इसका मतलब हमने गलती कर दी क्या है भाई, 60 था, 20 निकला, 40 बचा, 40 में रेशियो कितना है 3 और 2 का, 3, 2, 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, 8, 3, 24, 16, सही है इतना 24, 16, यहाँ पे 5, 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, अरे यार शिट, 1 की वैल्यू 4, 4, 1, 5, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, यानी कितना आ गया 16 लीटर और 4 लीटर, हाँ जी 16 लीटर और 4 लीटर, ओके ये मैंने गलती कर दी थी, 16 लीटर और 4 लीटर। अब क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 24 और 16 मिलके कितना, दूध, दूध आपस में जुड़ेगा, पानी, पानी आपस में जुड़ेगा, 24 और 16 मिलके कितना हो गया 40 लीटर, 16 और 4 मिलके कितना हो गया 20 लीटर, इनका रेशियो ले लो 40 20, 40 20 का रेशियो कितना हो जाता है 2:1 के बराबर, 2:1 ये हमारे इसका 40 20 का रेशियो रहा, क्लियर इतना हो गया दोस्तों। तो अब हम लोग क्या है कि टाइप 1 से आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना मेरे दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं रिप्लेसमेंट जब किया जाता है, रिप्लेसमेंट वाले केसेस में, यानी कि मिल्क से मिक्सचर में से कुछ आपने निकाला और फिर आपने कुछ उसमें मिलाया, ये हमारा केस होता है रिप्लेसमेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी जो होती है वो टाइप 2 ही होती है, जितने सवाल आपको दिखेंगे एग्जाम में या फिर आपको दिखेंगे एक्सरसाइज में जिनको आप अच्छे लेवल का कहते हो, उसमें से 80% क्वेश्चन आपके टाइप 2 कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। आइए देखते हैं वो टाइप 2 कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जो ये हमारे होमवर्क का क्वेश्चन है, टाइप 2 यहां से शुरुआत होती है, इस बात का ध्यान रखना टाइप 2 की शुरुआत यहां से होती है, अलग अलग टाइप बना के लिखना आपके लिए मुसीबत नहीं होगी, बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक दोस्तों आप सारे लोग समझ जाओगे। आज हम लोगों ने बेसिक्स पे काम किया, हम आपसे बार बार इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार आप सब लोग को दक्ष बैच ज्वाइन करके देखना चाहिए कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी एक साथ कैसे होती है, अगर एक साथ लॉन्च किया गया है प्रीलिम्स प्लस मेंस पहली बार, तो उसको देखें आप लोग कि क्या उसका आपको रिजल्ट मिलता है, कितना आपको जबरदस्त आपको मतलब अच्छा महसूस होता है कि बाउंस करने लगता है, होता है ना कि प्रीलिम्स अलग करते हो मेंस आप अलग करते हो तो फिर चीजें बाउंस करना शुरू करती हैं, है ना। तो ये सारी मेरे दोस्तों कहानी है, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। दक्ष बैच ज्वाइन करने के लिए आपको adda247.com पे विजिट करना होगा, वहां पे ओवरऑल आपको कोड अप्लाई करना होगा Y179, इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको ये बैच जिसकी प्राइस 799 है फिलहाल वो आपको मिल जाएगी 519 में, ठीक है दोस्तों, 35% के अप्रॉक्स ऑफ आपको यहां पे ऑफ मिलेगा Y179 अप्लाई करने पे। 27 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 5 से 6:30 शाम को डेली क्लासेस होंगी, तो आप लोग को एक बार ज्वाइन जरूर करना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए तो दोस्तों बस करते हैं सेशन को, आप सारे लोग खुश रहें, ख्याल रखें अपना और बस जुड़े रहें adda247 के साथ। अभी संतोष सर की इसके जस्ट बाद क्लास है, फिर रीजनिंग की क्लास है, फिर आशीष सर की क्लास है, ठीक है दोस्तों। चलिए सो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।